नमस्कार, आदाब। न्यूज़ क्लिक के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम ये समझना चाहते हैं और आपसे इस बारे में जानना भी चाहते हैं कि आपकी क्या राय है। हमारे देश के जो राष्ट्रवादी हैं, हम सब लोग राष्ट्र के प्रेमी हैं, लेकिन राष्ट्रवादी कुछ अलग प्रजाति है इस देश में। और ये जो राष्ट्रवादी हैं, जो अपने को अल्ट्रा राष्ट्रवादी, बल्कि बहुत सारे लोग इनको उग्र राष्ट्रवादी भी कहते हैं, कि आखिर ये इतने हिंसा पर क्यों उतारू हो जाते हैं? हमारे ये राष्ट्रवादी इतने हिंसक होना क्यों पसंद करते हैं? क्या हिंसा करने से कोई इनको, इनके राष्ट्र को मजबूती मिलती है? क्या इनकी राष्ट्र भावना जो है वो समंदर की लहरों की तरह हिलोरे मारने लगती है? आखिर देश का क्या बन जाता है, समाज का क्या बन जाता है कि ये इस कदर राष्ट्रवाद के नाम पर हिंसक, टकराव, विद्वेष और तमाम तरह की नफरत से लवरेज हो जाते हैं? अब आप उदाहरण के तौर पे देखिए साहब, उत्तर प्रदेश देश का बहुत बड़ा सूबा है। वहाँ के शासन चलाने वाले लोग कहते हैं कि वहाँ रामराज आ रहा है, लेकिन रामराज्य में कल क्या हुआ? कल हमने देखा, टेलीविज़न चैनलों ने भी बाई चांस दिखा दिया एयर स्ट्राइक का मामला थोड़ी देर के लिए भुलाकर, और बताया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद महोदय सरेआम एसपी से लेकर के कलेक्टर, तमाम बड़े बड़े अधिकारियों की सभा में और अपनी ही पार्टी के एक एमएलए, अब मैं त्रिपाठी जी और बघेल साहब का नाम क्यों लूं, वो तो उनकी पार्टी के नाम से ही वो लोग विख्यात और कुख्यात जो भी कहे जाएंगे, लेकिन इन लोगों ने आपस में गुत्तम गुत्ती हो गई। इतने जूते उन्होंने लगाए सांसद महोदय ने कि उसकी गिनती को लेकर इस समय सोशल मीडिया में तमाम तरह के कयास और चकल्लस चल रहे हैं। लेकिन हम चकल्लस पर नहीं जाएंगे दोस्तों, ये एक गंभीर मसला है। ये सिर्फ किसी त्रिपाठी जी, किसी बघेल जी का मामला नहीं है। आप पूरे देश के नक्शे को उठाकर देख लीजिए। इस देश के नक्शे में जहां भी आप पाएंगे इस तरह के भगवा ध्वजधारी जो लोग हैं, कहीं ना कहीं आपको हिंसा उपद्रव करते मिल जाएंगे। और पार्टी के बैनर पर, जन संगठनों के बैनर पर, उन नारों पर जिसमें देश को पुख्ता बनाने का जनता से आह्वान किया जाता है। त्रिपाठी जी और बघेल जी की खबर ज्यादातर अखबार, अगर दिल्ली का देखा जाए, मैं लखनऊ के अखबारों को भी देखा, वहां भी कुछ एक अखबारों में खबर है, लेकिन दिल्ली के अखबारों के, खासकर बड़े अखबारों के पेज पर यह खबर गायब है। विज्ञापनों से पूरे के पूरे अखबार अटे पड़े हैं, योगी जी मोदी जी, योगी जी मोदी जी, और हर जगह बताया जा रहा है कि कैसे उत्तर प्रदेश में रामराज आ गया है। उत्तर प्रदेश इस वक्त देश में प्रगति और विकास और शांति व्यवस्था, अमन चैन का बिल्कुल स्वर्ग बन गया है, लेकिन सवाल इस बात का है कि जमीन पर यह नर्क कहां से दिखाई दे रहा है। जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं उसके कुछ ही घंटे पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कुछ एक लोग भगवा कपड़ा पहनकर, जो ड्राई फ्रूट्स बेचने वाले लोग हैं, उन जो मेवा बेचने वाले लोग हैं, फलों को जो ड्राई फ्रूट्स आते हैं खासकर कश्मीर से लेकर, उन बच्चों को मारा गया, उन नौजवानों को मारा गया जो कश्मीर से यहाँ आकर करते हैं। लेकिन हमने आज मित्रों एक वीडियो देखा, एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो, एक देश के जाने माने पत्रकार ने जो कश्मीर गए हैं उन्होंने डाला और बताया कि कैसे बिहार का एक लड़का, उन्होंने नाम भी दिया है विकास यादव, वो कैसे श्रीनगर के बिल्कुल चौक पर वहाँ पर बेच रहा है ठेला लगाकर कोई सामान, खासकर खाने पीने वाला कोई सामान है, और उससे जब वो पूछते हैं कि आप ये कैसे बेच रहे हैं, क्या आपको कोई यहाँ खतरा नहीं, आप तो बहुत दूर देश से आए हैं, बहुत दूर के इलाके से आए हैं, उन्होंने कहा नहीं, हमें तो कोई यहाँ परेशानी नहीं है। लेकिन जो लोग वहाँ से आकर हमारे प्रदेशों में, शेष भारत के हिस्सों में ड्राई फ्रूट्स बेच रहे हैं, उनको ये लोग पीट रहे हैं, ये भारत के लोग कैसे हो सकते हैं? ये भारत को पसंद करने वाले लोग कैसे होते हैं? ये राष्ट्र को प्रेम करने वाले लोग कैसे हो सकते हैं? ये ज़रूर इस देश की जिंदगी में जहर घोलने वाले लोग हैं, जो राष्ट्र प्रेम के नाम पर, राष्ट्रवादी होने के नाम पर दरअसल इस राष्ट्र को मजबूत नहीं, कमज़ोर करते हैं। केवल दो तीन घटनाएँ नहीं हैं, मुजफ्फरनगर में रोजगार की मांग करने, रोजगार का सवाल कुछ लोगों ने पिछले दिन उठाया एक कार्यक्रम में, उनका बदला लिया गया अभी हाल में, उनको पीटा जाने लगा, सरेआम सड़क पर पीटा जाने लगा। एक अजीब संयोग है कि शबरीमाला का मसला हो, केरल में और दूसरे इलाकों में जो जन आंदोलनों पर हमले हों, कहीं भी आप देख लीजिए, कश्मीर के सवाल पर हो, ये इस तरह के लोग हिंसा पर उतारू होते हैं, संवाद पर नहीं, हिंसा पर। और माफ कीजिएगा, हिंसा केवल शारीरिक नहीं है, केवल भौतिक नहीं है, हिंसा इनकी भाषा में भी है। अब आप देखिए,
मैं छोटे नेताओं की बात नहीं करता, आप बड़े नेताओं की भाषा देखिए। एक समय था जब उत्तर प्रदेश में नई नई सरकार बनी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या कहा था आपको याद होगा, अपराधी जेल में होंगे या यमराज के पास जाएंगे। क्या ये संविधान की शपथ लेकर काम करने वाले किसी व्यक्ति की भाषा हो सकती है? पहली बात तो कोई नेता या कोई पत्रकार या कोई आदमी नहीं तय करता कि अपराधी कौन है, अपराधी न्यायालय तय करता है। लेकिन पहले ही आप साबित कर रहे हैं कि जो अपराधी होगा आपके मुताबिक वो या तो यमराज के यहाँ जाएगा या तो जेल में जाएगा, और वही हो रहा है। इनकाउंटर्स, मुठभेड़ हत्याओं का तांता लग गया है। इसके अलावा ये तो मान लीजिए कहिएगा कि प्रांत के नेता हैं, देश के नेता क्या कहते हैं, घर में घुसकर मारेंगे, चुन चुन कर मारेंगे। क्या ये भारत के शीर्ष नेता की एक भाषा हो सकती है, जिसने संविधान की शपथ ली हो, जिसने भारत जैसे बड़े देश, महान देश के लोकतंत्र को मजबूत करने का संकल्प लिया हो? तो मुझे लगता है दोस्तों, ये सिर्फ कुछ चुटभैये नेताओं का मसला नहीं है। इस देश में अनेक पार्टियों ने राज किया है समय समय पर, अनेक सूबे हैं जहां अलग अलग पार्टियों की सरकारें रही हैं, लेकिन जिस तरह का विभाजनकारी माहौल आज पैदा हुआ है, जिस तरह का विद्वेष, जिस तरह की नफरत आज हमारे माहौल में एक जहरीली हवा की तरह भर गई है, मुझे लगता है कि उसकी मूल वजह यह है कि कहीं ना कहीं विचारों के बीच में, कहीं ना कहीं संवेदना में, कहीं ना कहीं समझ में एक बड़ा खोट है। और वो खोट यह है कि हम सही हैं, सारे लोग गलत हैं, और हम अगर नहीं लोग मानेंगे तो हम हिंसक ढंग से मनाएंगे। तो ये एक पहलू बहुत ही गौरतलब है। दूसरी बात, जब हम आज ये बात कर रहे हैं तो इस देश में एक बड़ा मामला सन 2002 का गुजरात का कुख्यात दंगा। उस कुख्यात दंगे में आपको मैं बताऊं कि सन 2002 के दंगे का एक बड़ा जो स्थान था वो था नरोदा पाटिया। नरोदा पाटिया में 97 लोग मारे गए थे, 97, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, सरकारी आंकड़ा है। और उसमें जो अभियुक्त थे, जो बकायदे कन्विक्ट हो गए थे, उनमें से एक जिसका नाम पूरे देश में कुख्यात हुआ था, बाबू बजरंगी को आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट, देश के सर्वोच्च न्यायालय से जमानत मिल गई है। वो उनको दोष मुक्त तो नहीं किया गया है, लेकिन स्वास्थ्य के आधार पर जमानत मिल गई है। माया कोडनानी, वह भी मंत्री थी, वह भी इस कांड में एक अभियुक्त थी, उनको भी सजा सुनाई गई थी, लेकिन जब उनको उनकी सजा खत्म हो गई तो सीबीआई ने वक्त अपील नहीं किया और आज दोष मुक्त हैं। दंगों के, इस तरह के विद्वेष और नफरत से भरी हिंसा के अनेक जो अभियुक्त थे, अनेक जो आरोपी थे, स्टेट पैट्रनिज के कारण, स्टेट से जुड़ी एजेंसी जो जांच पड़ताल में लगी हैं उनकी वजह से, उनके 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 खास वजहों से वो बाकायदा या तो आराम से बाहर हैं या तो उन पर कोई मामला नहीं बन रहा है। और हिंसा हाल में फिर देखी गई जब पुलवामा में आतंकी हमला हुआ। पुलवामा के आतंकी हमले की पूरे देश ने एक स्वर में निंदा की, सबने खारिज किया कि इस तरह के आतंकी हमले को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा यह हुआ कि देहरादून, लखनऊ, पटना, न जाने इस देश के कितने शहरों में कश्मीरी युवाओं को पीटा गया बुरी तरह। कई जगह कश्मीरी लड़कियां जो स्कॉलरशिप पर आकर पढ़ रही हैं देश के दूसरे हिस्सों में, उनको हॉस्टल से बाहर निकालने की कोशिश की गई। इसके अलावा हमने देखा है मित्रों कि मॉब लिंचिंग जैसी घटना जिस तरह से मौजूदा निजाम, पिछले 2014 से लेकर अब तक जिस तरह से ये घटनाएं घटी हैं, मैं ये नहीं कहता कि मॉब लिंचिंग पहले नहीं हुई, कुछ एक घटनाएं हुई हैं, लेकिन इस तरह से एक खास ढंग की नफरत से लवरेज होकर, उससे भर करके, एक ईर्ष्या, द्वेष और नफरत से, सांप्रदायिक नफरत से इस तरह की मॉब लिंचिंग की घटनाएं सिलसिला बन गई। और आपको मैं बताऊं, मेरे पास जो आंकड़ा है, जिसे सरकारी तौर पे तो हम नहीं कह सकते क्योंकि सरकार ने अपने आंकड़ों के दस्तावेज में मॉब लिंचिंग को शामिल अभी तक नहीं किया, लेकिन जो इंडिया स्पैन और अखबारी जगत से इकट्ठा जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से मॉब लिंचिंग की 125 घटनाएं दर्ज हुई हैं, जिसमें 46 लोगों के मारे जाने की खबर है, और सर्वाधिक जो लोग मारे गए हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी और दलित कम्युनिटी के लोग मारे गए हैं। 297 विक्टिम कुल टोटल हैं,
जब आपको याद होगा विकलांग शब्द को लेकर एक बार विवाद हुआ, लोगों ने कहा नहीं इसको दिव्यांग कहा जाए, इस पर जब प्रोटेस्ट किया तो विकलांगों को भी पीटा गया। और पीटने वाले कौन थे? वही लोग जो कहते हैं कि राष्ट्र उनकी सबसे बड़ी प्रतिबद्धता है। क्या राष्ट्र सिर्फ आपके झंडे से चलता है? क्या राष्ट्र सिर्फ आपके डंडे से चलता है? क्या वो असंख्य करोड़ों लोगों की सांसों में नहीं बसता है? कोई देश केवल एक भूखंड नहीं है, वो समूची आबादी है, उसके सरोकार हैं, उसका जीवन है। मुझे लगता है कि ये जो दौर है एक खतरनाक दौर है संविधान के लिए, जनतंत्र के लिए और समूची हमारी आबादी के लिए। इस पर जरूर आपको सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, और इन सवालों का जवाब हम सब मिलकर ही खोज सकते हैं। नमस्कार, आदाब।